जो आप लोग स्वाध्याय करते हो, सभी शास्त्र वही बात कहते हैं। दो शब्दों में मैं कुछ बोल देता हूँ। ऐसा पहला समागम है हम लोगों का। यथा निग्रह तथा अनुग्रह, बंधन का स्वरूप जैसे मानोगे, मोक्ष का साधन भी उसी के अनुरूप तय होगा। हम अपने दुख का कारण क्या समझते हैं, बंधन का कारण क्या समझते हैं, पहले उसका निश्चय होना चाहिए। अगर बंधन का ही नहीं पता होगा तो मुक्ति की क्या बात करें हम। यहाँ तक कि कोई बहुत अच्छे डॉक्टर भी अगर उनको बीमारी नहीं पकड़ में आई तो कहते हैं अमुक अमुक टेस्ट करा के आओ, वहाँ पर जाके ये जांच करा के लाओ, क्योंकि अगर बीमारी ही नहीं पकड़ में आएगी तो हम दवाई क्या करें। उसी प्रकार से बंधन का स्वरूप क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है, साधन क्या करें, इसका विचार किया जाता है। एक ऐसी विचारधारा है जो कहते हैं दुख का बंधन का कारण पाप है। पूरा का पूरा हमारा मीमांसा दर्शन इसी पर टिका हुआ। बंधन का कारण पाप है, पाप के कारण हमको दुख मिलता है। और अनेक बार ऐसा जीव के भीतर होता है कि पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य नहीं करता, पाप का फल नहीं चाहता लेकिन पाप को जबरदस्ती प्रयत्न पूर्वक करता है। पापम फलम लेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। तो कहा बंधन का दुख का कारण पाप है। तो पूछा शिष्यों ने, महाराज फिर उपाय बताइए। उनका पाप से बचना है तो पुण्य करो, जितना हो सके इष्टपूर्त कर्म करो, स्रोत स्मार्त कर्म करो, यज्ञ करो, सेवा करो, दान करो, तीर्थ करो। जितना आप पुण्य कर्म को बढ़ाते जाओगे उतना पाप कर्म आपका धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और आप सहज रूप से मोक्ष की तरफ, सुख की तरफ आपका विकास हो जाएगा। बंधन का कारण पाप, तो उपाय हो जाएगा पुण्य का सृजन, ज़्यादा से ज़्यादा करो। हमारी परंपरा में एक शाखा और है, उनसे पूछा महाराज आप बताइए, तो उन्होंने कहा आप ये बताओ बंधन का कारण वासना है कि नहीं। पाप आप तब करते हो जब क्रिया में आ जाता है, क्रिया में आएगा तो आप पाप और पुण्य का विभाग करोगे, लेकिन क्रिया में आने के पहले तो मन के भीतर होता है। तो आपके सारे दुख का कारण, सारे बंधन का मूल तो आपकी वासनाएं हैं। जिसके भीतर जैसी वासना होती है वैसा व्यवहार करता है, उसी के अनुरूप उसके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मिलता है। हाँ ये बात तो है। तो अगर हमारी समस्या की जड़ वासना है तो उपाय क्या है, उपासना करो। वासना से छूटने का उपाय उपासना। आपको एक आश्चर्य की बात कहें, जब आप उपनिषद का स्वाध्याय करोगे तो उपनिषद में उपासना शब्द बहुत प्रयोग किया गया है, भक्ति शब्द ज्यादा प्रयोग नहीं किया गया। श्वेता सत्तर उपनिषद में और बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद और वहां उपास में बहुत प्रयोग किया गया है। यहां तक कि गीता का 12वां अध्याय पढ़ोगे तो उपासना शब्द से ही शुरू होगा। एवं सतत युक्ताए भक्तास्त्वाम, उपासना से ही शुरू होगा। तो अगर आप उपासना करते हो, ये उपासना आपकी वासना को काट देता है। आप इतना समझ लो, उपासना हमारा आभूषण है। शुद्ध सोना नहीं है, शुद्ध सोना नहीं है, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा तो उसका आभूषण बन ही नहीं पाता, कोमल होगा। जब कभी गहना बनाना होगा तो उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ तांबा का अंश मिला दिया जाता है, तभी आभूषण बनेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से
उपासना हमारी समझ लो कि आभूषण है, और जब वो खरा सोना हो जाए उसमें से पूरी तरह से स्वार्थ और अहंकार की गंध निकल जावे तो वह फिर 24 कैरेट का खरा सोना भक्ति है। उपासना से शुरू होता है, भक्ति पे समाप्त हो जाता है। उपासना पहली सीढ़ी है, भक्ति आखिरी सीढ़ी है। अगर दुख का कारण वासना है तो उपाय हो गया उपासना। तीसरे ऐसे समझ लो साधक हैं, उनसे पूछा महाराज आप बताओ, तो उनका बंधन का कारण चित्त वृत्ति का प्रवाह है कि नहीं। अरे इस चित्त के भीतर तरह तरह की वृत्तियां उठती हैं तभी तो हम दुखी होते हैं। गहरी निद्रा में चले जाओ तब तो कोई दुख नहीं है। विचार सागर पढ़ने वाले सब लोग विचार करो, आप गहरी निद्रा में चले गए, आपके चित्त में कोई वृत्ति नहीं उठ रही है, मन शांत है, उस समय ना कोई सुख है ना कोई दुख है। जब हमारे चित्त की उत्स्फूर्णा हो जाती है, वृत्तियों का प्रवाह हो जाता है, वही हमको संसार में ले आता है। तो उपाय हो गया योग का साधन करो, यम नियम आसन प्राणायाम, और किसी भी प्रकार से अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर लो और दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए, आप जीवन मुक्ति का आनंद ले लोगे। अगर चित्त की वृत्तियों का प्रवाह बंधन है तो आप योग का अनुष्ठान करिए। तीन बातें सीधा सीधा, पाप है तो पुण्य करिए, वासना को मानते हो तो उपासना ज़्यादा बढ़ाओ, और चित्त वृत्तियों के प्रवाह आपकी दुख की जड़ है तो योग साधन करो। वेदांत इसके अब बाद में आएगा। वेदांत कहता है सारी समस्याओं की जड़ हमारी अविद्या है। ये जो अज्ञान है अविद्या, जब तक ये अविद्या रहती है तब तक आप चाहे जितना कुछ कर लो, आपका अंतःकरण पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता। किसी कमरे में अंधकार है, किसी कमरे में अंधकार है ना जाने कब से, आप बाहर बैठ जाओ कह दो कि अंधकार चला जाओ, अंधकार चला जाओ। उस अंधकार को भगाने के लिए हो सकता है आप पुरुषार्थी हो तो टोकरा लेके आओ, फावड़ा लेके आओ, भर के फेंको अंधकार को, नहीं जाने वाला। आप कह दो नहीं, इस कमरे के बाहर बैठ करके मैं नाम जप करूंगा, अंधकार भाग जाए, अंधकार भाग जाए, आपकी उस क्रिया से भी अंधकार अंदर का नहीं जावेगा। अगर उस कमरे के अंधकार को आपको भगाना है तो बस एक उपाय है कि एक माचिस की तीली जलाओ, प्रकाश लाओ, अंधकार अपने ही आप चला जाएगा। समस्याओं की जड़ अविद्या है। ये जीव ना स्वयं को ठीक ठीक जानता है, ना इस जगत को ठीक ठीक जानता है, और ना जीव और जगत दोनों का नियंता ईश्वर उसके बारे में ठीक ठीक पता नहीं। तो जीव जगत और ईश्वर ये तीनों के विषय में जो ठीक ठीक ज्ञान नहीं है उसी का नाम है अविद्या। और जब तक अविद्या रहती है तब तक हमारे जन्म मृत्यु से छुटकारा कोई दिला नहीं सकता। उस अविद्या की निवृत्ति करनी है तो ब्रह्मात्मैक्य बोध प्राप्त करो, ब्रह्म विद्या की शरण में जाओ। अब उपनिषद ने घोषणा कर दिया, घोषणा किया उपनिषद ने, ये भीतर जो है ना उनको हम आत्मदेव कह सकते हैं। यदा चर्मवद आकाशम, मान लो कोई एक ऐसा समय आवे जो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा समय आवे कि कोई पूरे आकाश को एक वस्त्र बना के पहन लेवे। यदा चर्मवद आकाशम, जैसे एक कोई बलकल पहनता है, मृगचर्म पहनता है एक सिद्ध महापुरुष, ऐसे अपूरे आकाश को पहन लेवे। ऐसा अगर संभव हो तब समझना अपने आत्म स्वरूप को जाने बगैर मुक्ति होगी। यजुर्वेद का मंत्र है, ना आकाश को हम पहन सकते हैं कपड़े के जैसा, इसका मतलब बिना आत्मज्ञान के पूरी तरह से जीवन की शांति तो जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं है। उपाय है अविद्या की निवृत्ति के लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप में स्थिति, ब्रह्म निष्ठाता की प्राप्ति। बात अलग अलग है, शब्द अलग अलग हैं, भाव वही है। जितना आपको स्वाध्याय करने का समय मिले उसका सदुपयोग करो।
खूब अच्छी तरह से। समय बहुत तेजी से जा रहा है, किसी के रोके समय कभी रुकता नहीं। इस समय का सदुपयोग करना सीखो। इह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। यहीं रहते रहते जा, अब इससे बढ़िया समय और कहाँ मिलेगा। इतना दिव्य स्थान जहाँ का एक वातावरण ही ज्ञानमय है, तपोमय है, आपको स्वाध्याय कराने वाले भी प्राप्त हैं, आपके पास प्रज्ञा शक्ति है, बस अपने उस स्वरूप को जानो और जीवन मुक्त हो जाओ। मेरा सभी को यही आशीर्वचन है। महाराज श्री ने समय दिया, आप सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैंने उतना कहा, ये इसी पर दर्शन टिका हुआ है। अपने बंधन का स्वरूप क्या है ठीक ठीक समझो। शरीर को किसी ने बांधा नहीं है, हमारे मन को भी किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, कोई रस्सी नहीं लगी है। बंधन का स्वरूप क्या है, अब बंधन का स्वरूप ठीक ठीक समझ में आ जाता है, दुख का मूल हेतु समझ में आ जाता है, तो आपका आगे का मार्ग भी खुल जाता है। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। निमिषन लगे मन वेधिता, उजळले भाग्य आता अवघी चिंता वारली, अवघी चिंता वारली, अवघी चिंता वारली। अवघी चिंता वारली, अवघी संत दर्शनी हा लाभ, संत दर्शनी हा लाभ, पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला। पद्मनाभ संपुष्ट हे हृदय पेटी करुणी पोटी साठवू, करुणी पोटी साठवू, करुणी पोटी साठवू। तुका म्हणे होता ठेवा, तुका म्हणे होता ठेवा, तो या भावा सापडला, तो या भावा सापडला, संत दर्शनी हा लाभ पद्मनाभ जोडला,
पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ पद्मनाभ जोडला, श्री ज्ञानदेव श्री तुकाराम, श्री ज्ञानदेव श्री तुकाराम। श्री ज्ञानदेव श्रद्धेय परम पूजनीय स्वामी जी के श्रीमुख से दिव्यामृत वचन धारा उसका हमने पान किया है। ठीक ठीक बंधन पता होने से उसका उपाय क्या है वो हम कर सकते हैं। यदि बंधन पाप है तो पुण्य करेंगे, बंधन वासना है तो उपासना करेंगे, बंधन चित्त वृत्तियां हैं तो योग करेंगे, और यदि बंधन अविद्या है तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। यही तीन मूल्यों का पान हमने इस समय पूज्य स्वामी जी के श्री मुख से किया है। पूज्य स्वामी जी बता रहे थे बहुत दिनों की इच्छा थी, पुनः आते हैं, मुंबई आते हैं, लेकिन आलंदी में आना नहीं होता। लेकिन उनके जो शिष्य है जो आलंदी में पहले रह चुके थे पूज्य डॉक्टर महाराज के सानिध्य में, और उन्होंने कहा कि गुरुजी आ रहे, तो फिर उन्होंने निमंत्रित किया। इसी वजह से हम सभी को पूज्य स्वामी जी का दिव्य दर्शन हुआ है। और अभी अभी जो हमारे महाराज जी ने अभंग गाया श्री जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का, उस अभंग में यही था, यदि आप जैसे संतों का दर्शन यदि हो जाएगा तो समझो हमारा भाग्य उदित हुआ है, और यदि आप जैसे संतों का दर्शन मिला तो पद्मनाभ यानी भगवान भी मिल गया है। ऐसे संत जगतगुरु तुकाराम महाराज का वचनामृत इस अभंग से हमने वो भी सुना। पूज्य स्वामी जी का यहाँ आगमन हुआ, उनके वचनों से हम तृप्त हो गए, और आज सौभाग्य की बात यह है हमारे ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान के ओर से और संजय जी गुंडरे पटेल उनकी ओर से हम पूज्य स्वामी जी का यहाँ पूजन करेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान की ओर से तुकाराम जी है, और मैं संजय जी को और डॉक्टर महाराज जी को प्रार्थना करता हूँ कि आप पूज्य स्वामी जी का अत्यंत विनम्र भाव से पूजन करें और आशीर्वाद लें। आज हिमालय और गंगा पूज्य स्वामी जी के माध्यम से ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने के लिए हिमालय आया है, गंगा आई है, और ब्रह्म विद्या ही आ गई है। पुंडलीक वरद हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुका मौली ज्ञानेश्वर महाराज की, शंकराचार्य महाराज की जय। अब दर्शन कर सकते हैं।